राम जन्मभूमि आंदोलन में भागीदारी ली। लोकसभा चुनाव सिर पर है और बीजेपी उससे पहले राम मंदिर मुद्दे को हवा देने लगी है और बीजेपी के नेता आरएसएस और उससे जुड़े संगठन राम मंदिर को लेकर भड़काऊ बयान देने लगे हैं। इसी सिलसिले में वीएचपी ने भी अयोध्या में धर्म संसद का आयोजन किया और यहां पर सभी नेताओं ने बात रखी। वहीं राम मंदिर मुद्दे को लेकर वीएचपी और शिवसेना में भी ठन गई। वीएचपी और शिवसेना इस मुद्दे का क्रेडिट लेने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगी है। इन दोनों के बयान से लग रहा है कि राम मंदिर नहीं बल्कि श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। इसी बीच अपने बयानों से बीजेपी को हमेशा असहज करने वाली केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने अपने बयान से एक बार फिर बीजेपी को असहज कर दिया। उमा भारती ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राम मंदिर के मुद्दे पर मैं शिवसेना के प्रयास की सराहना करती हूं और उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर के लिए बहुत कुछ किया है। राम मंदिर मुद्दा बीजेपी का पेटेंट नहीं, राम मंदिर सभी का है। इसमें श्रेय के लिए होड़ मचाने की जरूरत नहीं। इधर बीजेपी के नेता राम मंदिर को लेकर माहौल बनाने में लगे हैं, तो उधर उमा भारती माहौल की हवा निकालने में लगी हैं। जो भी हो, असली फैसला सुप्रीम कोर्ट से ही आएगा और तब तक सभी की शांत रहने में ही भलाई है।